बीजेपी अब राहुल गांधी को भगवान से भी नहीं मिलने देगी? ये सवाल अब आप सोच रहे होंगे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ दोस्तों। आपको याद होगा 22 जनवरी ये वही तारीख है जिस दिन राहुल गांधी को मंदिर जाने से असम में रोका गया था। कुछ ऐसा ही हाल अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला है। एक और जहां राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोका गया, तो वही अब आपको बता दें राहुल गांधी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए तो उन्हें एक फोटो तक खींचने की इजाजत नहीं दी गई। उनके और उनकी टीम के मोबाइल पुलिस ने पूरी तरीके से रख लिए और फोटो खींचने की पाबंदी लगाई। जबकि यही पुलिस जब पीएम मोदी किसी भी मंदिर जाते हैं तो ये काम नहीं करती। तब तो दोस्तों एक नहीं, पीएम मोदी के साथ 4 से 6 कैमरामैन चलते हैं जो अलग अलग एंगल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटोग्राफी करते हैं, इसलिए उनको लोगों ने फोटो जीवी कैमरा जीवी तक कह डाला है। अब आप ही बताइए, क्या इस देश में 2 कानून है, पीएम मोदी के लिए अलग और किसी नेता के लिए अलग? आपको बता दें राहुल को फोटो तक नहीं लेने दिया गया, इसका खुलासा उन्होंने खुद किया है। सुनिए अभी क्या कुछ राहुल गांधी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। मैं काशी मंदिर गया, मैं शिव को मानता हूं, मैं काशी मंदिर गया, वहां पे पुलिस वालों ने क्या किया, वहां पे पुलिस वालों ने क्या किया, सारे मोबाइल फोन हटा दिए, एक मोबाइल फोन अंदर नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी की शिव मंदिर के अंदर फोटो दिख जाए। उसके बाद वाराणसी में सारा का सारा सेलफोन का जो नेटवर्क है उसको डाउन कर दिया। लोग मतलब वीडियो ले रहे हैं, वो वीडियो ना फैलाएं। आप देख लेना, ये जो मैंने भाषण दिया ना, मीडिया में नहीं दिखेगा, दिख नहीं सकता। इसी की जानकारी देते हुए कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि मैं शिव जी को मानता हूँ, जब मैं वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर गया तो वहां पर पुलिस वालों ने सारे मोबाइल फोन रख लिए, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि राहुल गांधी की फोटो शिव मंदिर के अंदर दिखे। आज जो भाषण दे रहा हूँ वो टीवी पर भी नहीं दिखेगा, ये बात राहुल गांधी ने खुले तौर पर खुले मंच से कही। क्यों उनका भाषण टीवी पर नहीं दिखेगा ये अब आप लोग भी अच्छे से समझने लगे हैं, क्योंकि जो पत्रकारिता टीवी मीडिया वाले करते हैं वो आप सभी जानते हैं कि वो किस तरीके की पत्रकारिता हो रही है। और अब तो पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से सरकार के अंदर में ही काम कर रहा है। यहां तक कि राहुल गांधी जब वाराणसी में थे तो नेटवर्क तक डाउन कर दिया गया। दोस्तों कितना डर इन लोगों में है आप खुद समझ सकते हैं। एक खबर के अनुसार आपको बता दें कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के दौरान पार्टी के फोटोग्राफर को पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ जाने की अनुमति अंतिम क्षण में रद्द कर दी गई। कांग्रेस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि शनिवार सवेरे करीब 10:30 बजे राहुल गांधी ने काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन और अभिषेक किया। पार्टी ने दावा किया है कि अंतिम समय में मंदिर में जाने के लिए हमारे कैमरा यानी कि फोटोग्राफर को मिली अनुमति निरस्त कर दी गई। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया कि मंदिर के कैमरा पर्सन द्वारा फोटो साझा की जाएगी। पार्टी ने कहा कि 3.5 घंटे तक लगातार प्रयास करने पर भी फोटो उपलब्ध नहीं कराई गई। कांग्रेस ने कहा फिर कुछ 7 तस्वीरें भेजी गई जिसमें से एक भी दर्शन करने की नहीं है, जबकि मंदिर के कैमरा पर्सन ने फोटो खींची थी। पार्टी ने दावा किया कि ऐसा करके वाराणसी के जिला प्रशासन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो दिल्ली में बैठे कैमरा जीवी के मुलाजिम से ज्यादा और कुछ नहीं। ये राजनीति और चाटुकारिता नहीं, ओछापन है। पर याद रहे, शिव के भक्तों को ना उनके न्याय के इस महासंग्राम से कोई ताकत रोक सकती है। कांग्रेस ने कहा कि बाबा विश्वनाथ सबका भला करे, दुष्टों को सम्मति दे। बाद में कांग्रेस के पोस्ट को साझा करते हुए पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ये सब दिल्ली में बैठे हुए देश के प्रधान सेवक कैमरा जीवी के इशारे से हुआ है, ये उनकी वन नेशन वन फोटो पॉलिसी है। वहीं इस मामले में आपको बता दें सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्वीट कर वीडियो जारी की है। आप भी सुनिए क्या कुछ सुप्रिया श्रीनेत कहती हुई नजर आ रही हैं। आज सुबह 10:30 बजे के करीब राहुल जी काशी की नगरी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए, अभिषेक किया और उसके बाद वो वहां से निकले। शिव में राहुल जी की विशेष आस्था है, वो बहुत बार सार्वजनिक रूप से भी कह चुके हैं कि वो शिव को अपना आराध्य मानते हैं, उनकी तपस्या उनके जीवन को प्रेरित करती है। खैर,
हमारे पास लिखित अनुमति थी अपना कैमरा पर्सन ले जाने की, उसको ऐन वक्त पे निरस्त कर दिया गया। और प्रशासन ने हमारे नेतृत्व को ये दिलासा दिया, ये आश्वासन दिया कि जो मंदिर का पीआरओ जो मंदिर की फोटो वगैरह खींचते हैं वो खींचकर हमारे साथ साझा कर लेंगे, इसमें कोई आपत्ति भी नहीं थी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। एक घंटा बीत गया, दो घंटा बीत गया, तीन घंटा बीत गया, साढ़े तीन घंटा बीत गया। पहले छोटे अफसरों ने, फिर पीआरओ ने, फिर उसके छोटे अफसरों ने, फिर एसडीएम ने, फिर डीएम, कलेक्टर, कमिश्नर, सबने फोन उठाने बंद कर दिए। पहले फोटो देने से इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से चार घंटे के बाद फोटो मिली, और ऐसी फोटो मिली जहां पर एक झुंड में कहीं पर दूर से राहुल गांधी जी नजर आ रहे हैं, जो फोटो हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, और एक भी फोटो दर्शन करते हुए नहीं मिली। एक भी फोटो जो शीश नवा रहे थे वो शिव के आगे, उसकी नहीं मिली। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि वो फोटो क्यों लगानी थी, वाजिब बात है, हमें कोई जिद तो है नहीं वो फोटो लगाने की, लेकिन कानून तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। और ये कुत्सित प्रयास क्यों करना कि फोटो खींचकर फोटो ना देना, पहले फोटो खींचना ना देना फिर खींच कर ना देना। अरे भाई, यही सारे रूल जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन, योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, उन तमाम लोगों की पिक्चरें मैं आपके साथ साझा कर रही हूं, जब ये आते हैं और चार चार कैमरों से कैमरा जीवी जब आते हैं उनकी शूटिंग होती है, तो ये नियम कानून क्यों ताक पे रख दिए जाते हैं? असल में दिक्कत की बात यह है कि बहुत सारे अफसरों को, बहुत सारे नौकरशाहों को यह लगने लगा है कि सत्ता शाश्वत है। वो अपने आका को खुश करने के लिए इतना गिरे जा रहे हैं कि वो भूल गए हैं कि वो संविधान की परिधि में काम करते हैं, वो गुलाम से भी बदतर बन चुके हैं। लेकिन असलियत ये है कि ये करके आपने ओझी राजनीति नहीं करी, इसको उत्तर प्रदेश की विशुद्ध भाषा में कहा जाए तो ये टुच्चई थी, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और हमारे नेता को तो बिल्कुल नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि ये सब करके आप उनको विचलित कर दीजिएगा, तो असलियत ये है कि शिव के भक्त, और जिस तरह की शिव की आस्था मैंने राहुल जी में देखी है, आप उनको उनके न्याय के महासंग्राम से, सच की इस लड़ाई से, और अंत में ये लड़ाई जीतने के संकल्प से रोक नहीं सकते हैं, विचलित नहीं कर सकते हैं, विमुख नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये करके आपने ये सिद्ध कर दिया कि दिल्ली में बैठा हुआ एक फोटो जीवी, जिसको हर जगह अपनी तस्वीर अच्छी लगती है, जो सुबह उठने से रात को सोने तक 50 एंगल से सिर्फ पिक्चर की शूटिंग करता है पूरे दिन, उस देश, वो नेता जिसके इशारे पर आप ये कर रहे थे, उसका मन कितना छोटा है। लेकिन कोई बात नहीं, छोटे मन से बड़े काम हो नहीं सकते, और अब बस कुछ ही दिनों की बात। सुना आपने दोस्तों, अब आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे दिल्ली में बैठे हुए कैमरा जीवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल की फोटो तक से डर रहे हैं, और ये भी आप समझ सकते हैं कि कैसे सरकार के इशारों पर पुलिस सारा काम कर रही है। फिलहाल दोस्तों, आपकी उस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल यानी कि सोशल न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले।